हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सवा 5 महीने बाद जोधपुर में घरेलू उड़ान का संचालन शुरू। लॉकडाउन के बाद जोधपुर में पहली बार शुरू हुई नियमित फ्लाइट्स। देश में कोरोना लॉकडाउन के बाद पहली बार बुधवार से जोधपुर में नियमित फ्लाइट शुरू हो गई। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने जोधपुर से चेन्नई और बैंगलोर के लिए फ्लाइट शुरू की है। दोनों ही फ्लाइट दोपहर में संचालित हो रही है। दोनों के लिए एयरबस 320 विमान का उपयोग किया गया है, जिसमें करीब 170 यात्री भार आ सकता है। इसके बाद 8 सितंबर से जोधपुर मुंबई की फ्लाइट शुरू होगी। जोधपुर दिल्ली रूट के लिए अभी तक कोई एयरलाइंस कंपनी आगे नहीं आई है। बता दें कि मार्च में लॉकडाउन लागू होने से पहले जोधपुर में 24 फ्लाइट संचालित हो रही थी। देश में जून से घरेलू विमान सेवा शुरू होने की अनुमति मिलने के बावजूद किसी एयरलाइंस कंपनी ने जोधपुर रूट लेने में रुचि नहीं दिखाई। अब इंडिगो एयरलाइंस ने विमान सेवा शुरू की है। मारवाड़ से दक्षिणी भारत जाने वाले यात्रियों में इजाफा होने की वजह से एयरलाइंस ने सबसे पहले जोधपुर चेन्नई और जोधपुर बैंगलोर रूट चुना है। जोधपुर से चेन्नई और बैंगलोर के लिए सोमवार बुधवार शुक्रवार व रविवार और जोधपुर मुंबई के लिए मंगलवार गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट संचालित होगी। जोधपुर चेन्नई फ्लाइट संख्या 6E6014 दोपहर 12:40 पर जोधपुर से टेक ऑफ करेगी, जो अपराह्न सेवा 3 बजे चेन्नई छोड़ेगी। चेन्नई जोधपुर फ्लाइट 6E6013 सुबह 9:30 चेन्नई से उड़ान भरकर दोपहर 12 बजे जोधपुर आएगी। जोधपुर बैंगलोर फ्लाइट 6E2094 दोपहर 2:40 पर संचालित होगी, जो शाम 5:20 पर बैंगलोर पहुंचेगी। बैंगलोर जोधपुर फ्लाइट 6E293 सुबह 11:50 पर रवाना होकर दोपहर 2:05 पर जोधपुर आएगी। दोनों ही फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार को चलेगी। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।